सियासत में आशीर्वाद का काफी महत्व होता है। पार्टी में पद चाहिए तो आशीर्वाद, टिकट चाहिए तो आशीर्वाद, चुनाव में जीतना हो तो भी आशीर्वाद होना जरूरी होता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कोई नेता अपने ही विरोधी को जीत का आशीर्वाद देते, वो भी तब जबकि वो खुद उसी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हो। लेकिन ऐसा हुआ था। पॉलिटिकल किस्से की खास सीरीज में हम आपको ऐसा ही एक किस्सा सुनाने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं साल 1984 के लोकसभा चुनाव की। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में कांग्रेस के लिए सहानुभूति की लहर उपजी थी। इस लहर ने विपक्ष के तमाम दिग्गजों को धूल चटा दी थी। लेकिन इस चुनाव में एक मुकाबला काफी दिलचस्प था जिस पर उस वक्त पूरे देश की निगाह थी। यह मुकाबला था इलाहाबाद का, जहाँ दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा और एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन आमने सामने थे। कभी यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हेमवती नंदन बहुगुणा इस मुकाबले में जीत को लेकर काफी आश्वस्त थे, लेकिन इलाहाबाद के मतदाताओं ने कुछ और ही सोच रखा था। कई हिट फिल्मों में काम कर चुके अमिताभ बच्चन युवाओं में खासे लोकप्रिय थे, तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजी लहर भी कांग्रेस के पक्ष में थी। राजीव गांधी के कहने पर अमिताभ अपने गृह नगर इलाहाबाद से चुनाव लड़ने को तैयार हो गए थे। चुनाव में अमिताभ के उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया। यही नहीं, जीत किसकी होगी यह कहना मुश्किल था। दूसरी तरफ बहुगुणा को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता था। वो लखनऊ और पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से भी सांसद रह चुके थे, लेकिन 1984 के चुनाव में वह इलाहाबाद से लोकदल के उम्मीदवार थे। पूरा विपक्ष उनके पीछे एकजुट था। एक तरह से बहुगुणा की सियासी हैसियत के आगे अमिताभ कुछ भी नहीं थे। बहुगुणा कितने जमीनी नेता थे इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्हें ब्लॉक और पंचायत स्तर के नेताओं के न केवल नाम याद थे बल्कि उन्हें बखूबी चेहरों से वो पहचानते भी थे। इस चुनाव में लगाए जाने वाले नारे आज भी लोगों के जहन में हैं, जैसे हेमवती नंदन इलाहाबाद का चंदन, दम नहीं है पंजे में लंबू फंसा सिकंजे में, सरल नहीं संसद में आना, मारो ठुमका गाओ गाना। यही नहीं, इस चुनाव में अमिताभ बच्चन को नचनिया तक कहा गया। अमिताभ ने भी फिल्मी अंदाज में इन नारों का जवाब दिया। वो अपनी सभा में कहा करते थे, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। जाहिर है बहुगुणा उत्तराखंड से थे और अमिताभ इलाहाबाद से। इसके अलावा अमिताभ चुनाव प्रचार में ठेठ इलाहाबादी में बोलते। अमिताभ बच्चन ने चुनाव प्रचार में फिल्मी हथकंडों का खूब इस्तेमाल किया, जिसका फायदा भी उनको मिला। अमिताभ ने लोगों के दिल को छूने वाले काम किए और खुद को गंगा किनारे वाले पक्का इलाहाबादी साबित करने की कोशिश की। बाकी काम अमिताभ की सितारा छवि ने कर दिया। ऐसे ही एक दफा प्रचार के दौरान अमिताभ बच्चन का काफिला कलेक्ट्रेट के सामने से गुजर रहा था। अमिताभ बच्चन को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर भारी भीड़ जुटी थी। अचानक लक्ष्मी टॉकीज के पास अमिताभ बच्चन कार से उतरे और पुलिस कार्यालय के बगल एक लकड़ी की दुकान में बाल काटने वाले जुम्मन के पास जा पहुंचे। अमिताभ बच्चन को दुकान पर देख जुम्मन मियां चौंक गए। जब उन्होंने जुम्मन के हाथों बाल कटवाने की इच्छा जताई तो जुम्मन मियां खुशी से फूले नहीं समाए। अमिताभ बच्चन के बालों में कैंची लगाते समय जुम्मन मियां मारे खुशी के रो पड़े। जाते वक्त अमिताभ बच्चन ने उनके काम की तारीफ की और उन्हें 100 रुपए का नोट दिया। चुनाव प्रचार के दौरान अमिताभ बच्चन इलाहाबाद की सड़कों और गलियों में जिधर भी निकलते रास्ते जाम हो जाते थे। युवा उनके पीछे दौड़ते थे और लड़कियां अमिताभ की एक झलक पाने के लिए छतों पर टूट पड़ती थी। भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। अमिताभ और उनकी पत्नी जया बच्चन धीरे धीरे इलाहाबाद में छा गए। इलाहाबाद का चुनावी माहौल अमिताभ बच्चन के पक्ष में बनने लगा। खुद बहुगुणा को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि बाजी उनके हाथ से जा रही है। इसी दौरान एक और घटना हुई जिसे इस दिलचस्प मुकाबले की वजह से याद किया जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान इलाहाबाद की सड़कों पर एक बार अमिताभ और बहुगुणा का काफिला आमने सामने आ गया। दोनों के समर्थकों में नारेबाजी शुरू हो गई। तनाव खासा बढ़ गया। इस दौरान प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए। तभी अचानक खुली जीप से अमिताभ बच्चन नीचे उतरे और उन्होंने जाकर बहुगुणा के पैर छुए और आशीर्वाद मांगा। बहुगुणा ने आशीर्वाद दिया और अमिताभ ने उन्हें अपने काफिले के साथ पहले निकलने को कहा। बहुगुणा का काफिला निकल गया और प्रशासन ने चैन की सांस ली। मतदान के बाद जब नतीजे आए तो सियासत के दिग्गज हेमवती नंदन बहुगुणा अमिताभ बच्चन से 1,87,795 वोटों से चुनाव हार गए। अमिताभ के लिए यह एक बड़ी जीत थी। इस हार के बाद बहुगुणा अस्वस्थ भी रहने लगे और धीरे धीरे सियासत से दूर हो गए। इस चुनावी मुकाबले को याद करते हुए कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन ने एक मुख्यमंत्री के पैर छुए और उसका करियर खत्म हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क।
आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है यूट्यूब पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।